ट्रिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज एक और नई ट्रिक लेके आया हूँ जो एकदम बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। उससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि आप सबको पता है हमारे चैनल का प्रमोशन चल रहा है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई ट्रिक वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं। इधर पे कोई स्पेक्टेटर है नहीं तो मैं खुद रिफल चप्पल कर देता हूँ दोस्तों। करने के बाद जितने कट चाहिए उतने कट दे देता हूँ। देने के बाद आपको मैं कार्ड भी दिखा देता हूँ जो एकदम टोटली शफल्ड डेक है दोस्तों। आप देख सकते हो टोटली शफल्ड डेक है। मैं ट्रिक चालू करने से पहले एक सीक्रेट प्रेडिक्शन निकाल लेता हूँ दोस्तों। सीक्रेट प्रेडिक्शन निकाल लेता हूँ। मेरे पास कोई, आप सोचोगे तो ये कार्ड क्यों है, तो इसीलिए मैं इधर पे रखा। मेरे पास पेन पेपर था नहीं इधर पे, तो सोचा ये कार्ड में प्रेडिक्शन के लिए यूज कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सीक्रेट प्रेडिक्शन, ये रहा हमारा सीक्रेट प्रेडिक्शन। आप देख सकते हो। अपने स्पेक्टेटर से कहूंगा कोई चार कार्ड चूज करे। तो पहला वाला ये चूज किया, दूसरा रहा ये, और फिर कहने वाला हूं मैं तीसरा ये, फिर चौथा बोलने वाला हूं सोचो ये। अब मैं स्पेक्टेटर से कहूंगा सारे को फेस अप कर दो ट्रिक के पर्पस के लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्पेक्टेटर सारे फेस अप कर दिया। अब स्पेक्टेटर को एक और चीज समझाने वाला हूं दोस्तों मैं। जो भी फेस कार्ड आएगा उसकी वैल्यू होगी ऑलरेडी 10। जो बाकी का कार्ड है उसके बाद से, जो ये 6 नंबर है इसके बाद 10 लगाएंगे, 4 है फिर 10 लगाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके। अगर इक्का होता तो उसकी वैल्यू होती इक्का, एक ही होती। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये रानी है तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू 10 है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो रानी ऑलरेडी उसकी वैल्यू 10 है, बाकी का जो भी है ले लेते हैं दोस्तों। बाकी का जो भी है ले लेते हैं। लेने के बाद हम लोग ये कहेंगे कि इस 4 को ऐड करके जो नंबर आएगा वो लगाएंगे। तो 6, 4, 10 हुआ, 6, 4, 10, फिर 4, 14, फिर 10। रानी की वैल्यू होती है 10, तो हुआ 24, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये था दोस्तों मेरा ट्रिक। अब इसमें जो कार्ड आता है देखते हैं। ये थी 4 ऑफ स्पिट्स। ये ट्रिक चालू होने से पहले मैं प्रेडिक्ट किया था दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो मैं स्टार्टिंग में कोई जबरदस्ती नहीं किया आपसे, आपके आगे रिफल शफल किया था, जैसे बोले वैसे किया था, आपके हाथ में भी दे दिया था रिफल शफल करने के लिए। तो टोटली आपके कंट्रोल में था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी मैं जो प्रेडिक्शन किया था आपके चार कार्ड कट करने के, कट करके आप उसी पे काउंट लगाए थे जो आपका सिलेक्शन था। आप देख सकते हो मैं वही कार्ड आपके काउंट पे लेके आया। ये थी दोस्तों हमारी ट्रिक। अब चलते हैं इसके ट्यूटोरियल्स पे दोस्तों। एकदम टोटली इजी ट्रिक है दोस्तों, आप कभी भी कोई भी बारो डेक में कर सकते हो। तो चलो चलते हैं। स्पेक्टेटर के हाथ में कार्ड थमा दो दोस्तों। स्पेक्टेटर जितना चाहिए रिफल शफल कर सकता है, जितने चाहिए कट कर सकता है। उसके बाद आपको हाथ में आपके डेक दे देगा। बस आपको ध्यान में रखना होगा इधर से 9th कार्ड घुमा के दिखाना होगा, दिखाने जैसे आपको 9th कार्ड ध्यान में रखना होगा। समझो 3, 6, 9, किंग। अब देखो दिखा देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9th कार्ड हुआ किंग ऑफ स्पीड्स, सॉरी किंग ऑफ डायमंड्स। आपको बस ऐसे निकालना होगा दोस्तों, 3, 3, फिर 3, ऐसे निकालना होगा, गिन के नहीं निकालना होगा। ये आप दिखा रहे हो टोटली शफल डेक है करके, इसको ध्यान में रख रहे हो किंग ऑफ डायमंड्स को, और पूरा शफल करके दिखा रहे हो। दिखाने के बाद आपको डेक रख देना होता है बीच में। रखने के बाद डेक आपको कहना होता है कि मैं सीक्रेट प्रेडिक्शन लेने वाला हूँ, एक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, सीक्रेट प्रेडिक्शन जो फाइनली काम आएगा। तो कार्ड चाहिए तो कार्ड निकाल सकते हो ये वाला, या फिर कोई पेन पेपर लेके लिख के रख सकते हो। मेरे पास पेन पेपर तो है नहीं, तो मैं क्या किया ऐसे देखा, इसमें वो किंग ऑफ डायमंड्स जो उधर देखे थे 9th कार्ड उसको निकालने वाले हैं। उसको निकाल के फेस डाउन करके रखने वाले हैं दोस्तों, फेस डाउन करके रखने वाले हैं ऐसे। ये रहा दोस्तों हमारा सीक्रेट प्रेडिक्शन, ऐसे रखने वाले रख के ये कहने वाले कि कोई एक कार्ड चूज करो, बस 9th कार्ड तक ना जाए दोस्तों, कोई भी दूसरा कार्ड चूज कर सकता है स्पेक्टेटर। समझो ये कार्ड चूज किया, फिर से
इकट्ठा कर देना होता है, इकट्ठा करके फिर चालू करना होता है, क्योंकि नीचे तक जाएगा नहीं स्पेक्टेटर चूज किया ये। कोई भी स्पेक्टेटर चूज करने का मतलब होता है झटके में चूज कर लेता है दोस्तों, स्पेक्टेटर उसको जल्दी होती है ट्रिक की, तो झटके में चूज कर लेता है। ये बाकी का जो कार्ड है ऐसे ही इधर पे रख दो, रख के को इसको हम फेसअप कर देते हैं करके, जो भी है फेसअप कर दो। फेसअप करने के बाद आपको ये कहना होता है जो भी फेस कार्ड आता है, जैसे कि बादशाह, रानी, जैक्सन, जो भी आता है उसकी वैल्यू होगी, जो भी फेस कार्ड आता है उसकी वैल्यू होगी 10। ऑलरेडी 10 बादशाह, रानी, जैक्सन का अगर कोई इक्का हुआ तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो अब इधर पे उनको कहना होगा 3 है, तो 3 से 10 तक कार्ड डालेंगे, ऐसे ही करके चारों में डालेंगे। आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 7 है, 8, 9, 10। 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या करना होता है आपको, बाकी का पहले ऊपर डाल के सारे कार्ड ये ले लेना होता है दोस्तों। लेने के बाद आप उनसे ये कहना होता है कि आपके चार जो कट किए कार्ड है इस पे हम लोग मतलब इस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इसको मतलब ऐड करेंगे इन चारों कार्ड को, जो भी फाइनल कार्ड आएगा उतने कार्ड नीचे डालेंगे करके। तो 3 और 3 हुआ 6, 7 प्लस 2 हुआ 9। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13 14 15, तो 15 कार्ड्स को नीचे करेंगे दोस्तों। इधर पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये था दोस्तों हमारा 15th कार्ड। अब उनको ट्रिक रिवेल करने से पहले ये कहना होगा, आपके हाथ में डेक दिया मैं, आप शफल किए, आपकी मर्जी से सब हुआ, आप अपनी मर्जी से चार कार्ड निकाले, बस हम लोग उससे एक ट्रिक निकल ले आए, वो ट्रिक थी ये करके उनको रिवेल करना होगा। अब जो कार्ड आपके काउंटिंग में आया ये था किंग ऑफ डायमंड्स, तो उनको ये आपका प्रेडिक्शन जो है वो दिखाना होगा, उनका रिएक्शन रहेगा एकदम बढ़िया, वाव रिएक्शन रहेगा दोस्तों। ये थी हमारी ट्रिक। प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को, मैं ऐसे और ढेर सारे ट्रिक और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।